कहने को तो क्रिकेट सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल है, जिसकी वजह से गली मोहल्ले में जब भी यार दोस्त मिलते हैं तो यही कहते हैं कि आजा बैट बॉल खेलने चले। क्योंकि बैट और बॉल ये वो दो चीजें हैं, या कहें कि इस खेल के दो ऐसे टूल हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से पर्दे पर नजर आते हैं। अब बचपन में तो मैं भी यही सोचता था, यही कहता था, मगर धीरे धीरे जैसे ही विराट कोहली नाम का एक जीनियस खिलाड़ी क्रिकेट में आया, 2012 में उसने खुद को ही बदल कर दिखाया। एक चबी से बिल्कुल फिट फिजिक वाला विराट बनकर पता चला कि सिर्फ बैट और बॉल ही क्रिकेट नहीं है, इसमें और भी कई फैक्टर है, और भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए तो इसे क्रिकेट कहते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है फिटनेस, जो कि कहने को तो ऑफ द फील्ड यानी मैदान के बाहर ही एक्टिविटी है, लेकिन इससे आपके ऑन द फील्ड गेम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तभी तो कहते हैं ना कि जो फिट है वही हिट है। आपके भी रोल मॉडल ऐसे ही प्लेयर होंगे जो फिट है। मुझे नहीं लगता कि किसी का रोल मॉडल रैकिंग खारनवाल या फिर ड्वेन लेरॉक होंगे, इनके लिए कोई हेट नहीं है, मगर जिस फिजिक से ये क्रिकेट खेले वो क्रिकेट और फिटनेस दोनों के लिए ही आइडियल नहीं था। क्रिकेट में फिटनेस बहुत ही जरूरी है, इसका हमने परफेक्ट एग्जांपल देखा है फील्डिंग में। जो फिट प्लेयर होता है वो तीन को दो में रोक देता है, डाइव मार करके चौका रोक देता है, और जब बैटिंग करे तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर देता है बड़े आराम से। टीवी में कभी कभी तो पता नहीं लगता कि वो बंदा कितना फिट है, क्योंकि उस प्लेयर की गेम मक्खन की तरह मजेदार स्मूथली चलती है। आज के इस दौर में भी कई ऐसे एक्टिव खिलाड़ी हैं जो कि फिटनेस के बादशाह हैं, जिन्हें देखकर फैंस इंस्पायर होते हैं इनके जैसा फिट बनना है। तो आज की वीडियो में हम क्रिकेट जगत के टॉप 5 फिटेस्ट प्लेयर्स की बात करेंगे जो कि मिसाल है। नंबर 5 पर है कागिसो रबाडा। अक्सर मैंने लोगों को फिटनेस की बातें करते देखा है, लेकिन उस बंदे को कई बार नजरअंदाज होते देखा है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये बंदा आग उगलता है अपनी बॉलिंग से, बैटिंग भी क्लासी करता है, फील्डिंग भी इसकी शानदार है, देखने को ये किसी रनर स्प्रिंटर की तरह लगते हैं, मगर नाम है कागिसो रबाडा। किसी भी एथलीट के लिए परफेक्ट फिजिक क्या होती है, उसका सही मायनों में ये परफेक्ट एग्जांपल है। एक दिन मैं इनका बॉलिंग एक्शन एनालिसिस कर रहा था, जहां कई की अट्रैक्शंस मिसिंग थे, लेकिन उसके बावजूद ये 145-150 की स्पीड डाल रहे थे। कारण था इनकी सुपर हिट बॉडी, जिससे पावर जनरेट करके एक और आराम मचा दिया करते हैं। मैंने कभी भी इन्हें हांफते हुए, लंगड़ाते हुए या क्राइम्स की समस्या में नहीं देखा, न ही कभी इन्हें बीच ओवर में मैदान छोड़ते हुए देखा, क्योंकि ये इंजर्ड होते ही नहीं है। जहां एक तरफ इन्हीं के काउंटर पार्ट नौरकिया या हमारे यहाँ जसप्रीत बुमराह, शमी, पहले डेल स्टेन घातक थे, मगर हमेशा ही इंजर्ड पड़े रहते, किसी को बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर तो कोई घुटनों से परेशान, मगर शुक्र है ये इस तरह के नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जगत में सबसे जबरदस्त मगर उतने ही अंडररेटेड फिटनेस वाले बॉलर है, जो कि बिना हाय तौबा मचाए लंबा स्पेल डालता है और तीनों फॉर्मेट में अच्छी पेस से बॉलिंग करता है, बढ़िया स्पेल भी डालता है, जो कि काबिले तारीफ है। आपका फेवरेट कोई भी बॉलर हो सकता है, लेकिन अगर आप फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई फिटनेस रोल मॉडल हो सकता है। एक परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट मस्कुलर फिजिक और तेज दर्रा रफ्तार, और क्या चाहिए। नंबर 4 पर है फॉब डू प्लेसिस। ये बंदा वैसे रिटायर हुआ तो नहीं, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था, मगर बाकी फॉर्मेट से भी इसे जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया, टीम से ड्रॉप करके। वैसे तो उम्र 39 साल है, मगर कभी कभी लगता है कि गूगल झूठ बोल रहा है, ये तो 26-27 के होंगे। इतना तेज दौड़ते हैं कि दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में इनकी गिनती होती है। बैट्समैन इतने जबरदस्त कि किसी भी टूर्नामेंट के टॉप 5 रन स्कोरर में इनका नाम आपको मिल ही जाएगा। प्लेयर इतने लाजवाब कि इस उम्र में भी कई टीमों के कप्तान है। कोई बंदा इतना फिट कैसे हो सकता है, इनका इम्पैक्ट कितना तगड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विराट दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ी माने जाते हैं, मगर जब ये आरसीबी में खेलते हैं तो रनिंग बिटवीन विकेट्स हो या फील्डिंग, ये विराट को कड़ी टक्कर देते हैं, कई बार तो उन्हें भी ओवरशैडो कर जाते हैं, हालांकि उम्र में उनसे बड़े हैं। साल दर साल उनकी परफॉर्मेंस फील्डिंग, जिसका लेवल उम्र के साथ बढ़ता चला गया, इन्होंने अपनी फिटनेस के स्टैंडर्ड कभी भी गिरने नहीं दिए, इतनी जबरदस्त बॉडी बनाई जो कि मिसाल है। शानदार फिटनेस के चलते ये किसी फिल्म के हीरो लगते हैं, और क्या ही औरा है इनका, एकदम जबरदस्त। नंबर 3 पर है ग्लेन फिलिप्स। अगर आप न्यूजीलैंड क्रिकेट को फॉलो नहीं भी करते हैं, इन लोगों के मैचेस नहीं भी देखते हैं, तो भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ये नाम कम से कम 2-3 बार तो सुना ही होगा। ग्लेन फिलिप्स एक ऐसा खिलाड़ी जो कि ऐसे वर्कआउट करता है मानो किसी चीज की सनक लगी, और एक कंप्लीट क्रिकेटर है। बैटिंग में तबाही मचा देते हैं, हिटिंग जबरदस्त है, विकेट गिरे तो डिफेंसिव गेम भी है, गेंद से भी कमाल कर दिखाते हैं, विकेट चटकाना जानते हैं, जब विकेट कीपिंग करते हैं तो उड़ उड़ करके कैच पकड़ते हैं, ठीक ब्रेंडन मैकुलम स्टाइल में, आखिर तक बॉल का पीछा करते हैं, चौका तो जाने ही नहीं देते, ग्राउंड में कहीं भी फील्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हम बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं तो सिर्फ एक कैच देखना, 2022 T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, मार्कस स्टोइनिस का, जो कि इन्होंने सुपरमैन स्टाइल कैच पकड़ा। ये जनाब बाकी क्रिकेटर से अलग ही हैं, और क्रिकेट की नई सनसनी, जो कि अपनी फिटनेस को काफी तवज्जो देते हैं। इनका शेड्यूल काफी मेहनत वाला है, जो कि 150 किलो पर बेंच प्रेस करते हैं तो 210 पर स्क्वैटिंग और 230 पर डेडलिफ्ट, इतना हार्ड वर्क जो कि ग्राउंड पर दिखता भी है। अब भले ही इनकी हाइट ऊंची लंबी नहीं है, मगर फिटनेस लाजवाब है, इंस्पिरेशनल। फिलिप्स किसी दूसरी दुनिया से आए लगते हैं, फिटनेस फ्रीक के साथ साथ दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में भी इनका नाम चलता है। दूसरा नंबर आता है इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में शुमार बेन स्टोक्स का।
ये बंदा सुपर फिट है ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा इनकी परफॉर्मेंस और इनकी फिजिक कहती है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो इंसान इन्हें नहीं भी जानता वो भी अगर इस हरफन मौला को एक बार देख ले तो समझ जाएगा कि कितना फिट है यह खिलाड़ी। 140 प्लस की रफ्तार से बॉलिंग कर सकते हैं, घंटों क्रीज पर डटे रह सकते हैं और फील्डिंग में भी हमेशा एनर्जेटिक चुस्त दुरुस्त रहते हैं। अक्सर ये कोई ना कोई ऐसी करामात करते हैं ग्राउंड पर कि हम फैंस का भी अंदर से दिल मचलता है कि काश हमारी भी ऐसी फिटनेस होती। अब जरा प्रूफ सुनिए, हमने 2019 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में इन्हें अविश्वसनीय कैच लेते देखा है। 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने ही गेंद पर बाउंड्री तक स्प्रिंट करते और फिर डाइव मारकर चौका रोकते देखा है। 2021 में भारतीय दौरे पर हैंड स्टैंड करते देखा है जो कि जिमनास्ट किया करते हैं। महान शेन वार्न ने तो ये तक कह दिया था कि मैंने अपनी जिंदगी में स्ट्रोक से हार्ड ट्रेनर नहीं देखा। जिस तरीके से वो ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस स्पेल करते हैं, वो स्कैरी है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं इससे खुद को ही चोट ना पहुंचा लें। और जब भी क्रिकेट में फिटनेस की बात होगी तो नंबर वन पर हमेशा आएंगे विराट कोहली। देखिए, पिछले 15 साल से मैंने क्रिकेट को भी फॉलो किया और इनके करियर को भी बड़े करीब से देखा। डेब्यू से लेकर 2014 का वो नाइटमेयर इंग्लैंड टूर पर, फिर ऑस्ट्रेलिया में अचानक से टेस्ट कप्तानी मिलने और 2022 में इसे छोड़ने तक, वो 2.5 साल के सबसे मुश्किल पीरियड को और फिर पाकिस्तान के खिलाफ MCG में वो अविश्वसनीय जीत दिलाने तक, 2023 वर्ल्ड कप में रनों का पहाड़ खड़ा करने तक, ऐसे कई सारे लम्हे मैंने देखे हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल समय था वो था 2012, जब विराट को टेस्ट टीम से करीब 13 महीने ड्रॉप किया गया। IPL भी अच्छा नहीं गया। ऐसे में एक दिन इन्होंने खुद को ही बदलने का फैसला कर लिया, खुद का बेस्ट वर्जन लाने के लिए। और बस फिर क्या था, क्रिकेट जगत में क्रांति आ गई, फिटनेस रेवोल्यूशन, दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर बन गए विराट और फिर रनों के सरताज, लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस, यहाँ तक कि वो यंग क्रिकेटर जो टीम में नए नए आते चाहे अपने देश के हों या विदेशी, हर कोई विराट कोहली की तरह फिट होना चाहता। सभी जिम में पसीने बहाते और जिसे फिटनेस का कभी ख्याल भी ना था वो सब भी अब फिटनेस कॉन्शियस हो गए। यह विराट की लेगेसी फिटनेस के मामले में, इनसे आगे कोई नहीं। आज भी ये भले ही 35 के हैं मगर फिजिकली और मेंटली इतने स्ट्रांग, इतने फिट हैं कि 25 के लगते हैं। जब क्रीज पर दौड़ते हैं तो 21-22 साल के यंगस्टर भी क्या दौड़ते होंगे इतना तेज, जितना तेज ये दौड़ते हैं। चीते की रफ्तार से फील्डिंग करते हैं और बुलेट सी थ्रो विकेट पर मारते हैं, जो कि अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर्स जिनकी फिटनेस अपने आप में एक मिसाल है। तो ये थे करंट टाइम के प्लेयर्स। लेकिन अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपको बीते दौर के ऐसे ही 5 क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।